भानगढ़ का किला। और भाई अभी आपको पूरा भानगढ़ का किला दिखाऊंगा। तो पहुंच गया भाई मेन गेट की मेन एंट्री पे एक मंदिर है, बहुत बढ़िया डिजाइन बना रखा है मंदिर का। भाई मंदिर पे पहुंच गया, पहला मंदिर है ये। गेट में एंट्री कर दे, पहला मंदिर आप है जो बता जा रहा था 7 मंजिला, लेकिन अभी भाई सारे ने भाई जय बाबा की खाटू श्याम महाराज के दर्शन करके भाई हम निकल लिए थे उड़ते करीब करीब 2 बजे के आसपास। और भाई आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो बहुत ही डरावनी है और एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आप सभी ने नाम सुना होगा उसका, भानगढ़ का किला। भाई अभी 60-70 किलोमीटर यहाँ से भानगढ़ का किला है और आप में दिखा देंगे रात को। तो वहां पे जैसे बताया गया है एंट्री अलाउड नहीं है भाई, एंट्री अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है भाई किसी भी कारण से। तो अभी उधर पहुंचाएंगे तो हमें दिखावांगे भाई, और सामने का एरिया दिखावांगे, साइड का एरिया दिखावांगे, बहुत ही बढ़िया है। और वीडियो में बने रही हो भाई। और भैया तो एक रिक्वेस्ट है भाई, भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। कचौरी बना रहे हैं भाई, राजस्थान की प्रतापगढ़ की मशहूर कचौरी ठंडी और आलू की सब्जी है साथ। नहीं बेरा भाई कड़ी है शायद। हाँ 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 ले वा खा भाई, ले वा ले लिए वा कचौरी। अरे सारे भाई मिल के खाओ इस कचौरी ने। अरे भाई देख रहा हूँ मैं खाने का नाम की मेरे कुकर देखा नहीं, मुंह पानी आ रही है। ओ भाई जा लेने लेके तोरी किसी लगी एक नंबर की मजा आ गया लो। मेरा खतर भी आ गया है। ओ मेरा खतर आ गया, कड़ी कड़ी आ रही भाई। भानगढ़ 5 किलोमीटर रह गया है, पहुंच गए हम उस एरिया में। और फिर आपको दिखाएंगे भानगढ़ का किला, साइड में बहुत बढ़िया या पहाड़ी है अरावली की श्रृंखला। और एरिया बहुत बढ़िया है भाई, छोटे छोटे किले, राजे महाराजा के किले जो रास्ता में थे हमने देखे थे, लेकिन वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि हमारा मेन जो है सब था हमारा सिर्फ भानगढ़ का किला, भानगढ़ का किले को कवर करना, उसको देखना। अगर समय रह गया तो आपको वो भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है भाई। एक टाइम नहीं लग गया तो अगले छुट्टियां में आओगे बच्चे, उस टाइम बनाओगे वीडियो। बिल्कुल भाई फिर आवांगे भाई, हमारा किले हैं उन सब में कवर करांगे। हमारा मेन मकसद ये है कि भाई भारत का भ्रमण करा और जो हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं उनको आप लोगों तक पहुँचावा, आप लोगों को दिखावा। हम बार बार ये बात करें भाई, जो भाई इन जगहों पर नहीं पहुँच पाता, जो अपनी जिंदगी में जीवन में नहीं देख पाता, तो हम उनको ये चीज़ें दिखाने का मौका दे रहे हैं भाई। हमारे चैनल पर आओ और वो ये चीज़ें देखो कि हमारे देश के अंदर क्या क्या है, हमारे देश के राजे महाराजे, या हमारा देश की संस्कृति भी है। बिल्कुल भाई, संस्कृति हमारे देश की भाई, देखो भाई अपनी संस्कृति को देखो। राम राम भाइयों, जैसा कि हमने बताया था हम पहुंच गए यहाँ भानगढ़ का किला। और भाई अभी आपको पूरा भानगढ़ का किला दिखावांगे, वो उधर से एंट्री गेट है भाई। और भाई यहाँ आपको बता दूं स्टार्टिंग में स्टेशन कुछ है कि भाई ऑनलाइन टिकट इधर 20 रुपये लगती है, पार्किंग की टिकट इधर भाई 50 रुपये, और जो अंदर घूमने की टिकट है वो ऑनलाइन तो भाई 20 रुपये और वैसे भाई 25 रुपये।
और भाई कैमरे की भाई 25 रुपये टिकट कटती है अगर आप कैमरा लेके आते हो तो। और इसमें इधर लिख रखा है विरासत को संजो कर रखें और गौरवंती अनुभव करें। और भाई मैं आपको मैप दिखा दूं, मोबाइल फोन वीडियो रिकॉर्डिंग फ्री, ये मैप है भाई बानगढ़ किले का। और अभी आगे बढ़ते हैं भाई, और मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल फ्री है भाई, आप मोबाइल की रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपनी, इसमें कोई भी वो नहीं है। ये देखो भाई घर टूटे फूटे पड़े हैं, ये पथराए घर बना रखे हैं। भाई इसका आपको मैं इतिहास बता दूं, ये भाई राजस्थान के अलवर जिले में है, नेट के ऊपर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और राजा का नाम था भगवंत सिंह राजा, 1583 में इसका निर्माण हुआ था भाई। और ये एक शराबित एंड भूतिया किला बताया गया है, रात को यहाँ पर एंट्री बंद है, बैन किया गया है रात को आना। और ये टूटे फूटे आपको घर दिखा दे रहे होंगे, ये देखो ये एक घर है टूटा हुआ, ये वो घर है पत्थरों के बने हुए, छोटे छोटे कमरे ऐसे बनाया हुआ, ये छत थी पहले की नहीं थी पता नहीं भाई, ठीक है। तो जो रानी थी रत्नावती, उनको एक उन रानी से ना एक तांत्रिक को प्यार हो गया था, बताया जा रहा है लिखा भी गया है। तो उस रानी को हासिल करने के लिए तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र विद्या कुछ कार्रवाई शुरू करी, और तांत्रिक का जो किला बताया जाता है, जो तांत्रिक ने जहाँ बैठ कर वो करी थी, आपको जूम करके दिखावांगे ऊपर बिल्कुल, वो वहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा एक नहीं। तो भाई तांत्रिक का बेरा लग गया, अरे भाई तांत्रिक का पता लग गया तो भाई फंस गया, वो मरवा दिया। तो वो तांत्रिक ने को श्राप दिया था, तो उस श्राप के कारण भाई ये यहाँ का ऐसा हाल हुआ। और ये फिर उस दिन से किला भूतिया किला हो गया, बाकी बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, आओ देखो घूमो और हम भी आ जाए। हाँ, और आपको एक एक चीज़ दिखावांगे भाई, कैसे घरों का डिजाइन बनाया हुआ, कैसे क्या है, क्या सिस्टम है, ठीक है। ये कबूतर अपना दारा चुभ रहे हैं, जंगलात एरिया भाई, जंगलात एरिया पूरा भाई, जंगल है जंगल है। और बहुत घर बने हुए, बहुत ज्यादा घर बने हुए, दिखावांगे आपको। ये मनीष अपना कैमरा लेके भाई जान लग रहे हैं, फोन पे भी शूटिंग करवा रहे हैं, कैमरे से भी शूटिंग करवा रहे हैं भाई, एक एक घर एक एक किला दिखावांगे। समझ में नहीं आ रहा बना क्यों कर रखा भाई, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम बना रखा है, बहुत बड़ा। ये घर हैं छोटे छोटे घर दीवार, उस वक्त के राजे महाराजे रानियों के जो यहाँ की प्रजा थी उनके घर मकान ही है। ये भाई चार मोर जानना रे भाई, मतलब पूरा लुप्त ले रहे हैं धूप का, पूरी नगरी वसी हुई थी। और भैया पूरी नगरी थी इधर भाई, पूरा नगर था ये, एक एक चीज दिखावांगे भाई आप लोगों को। ये मोर घुस गए कमरे में भाई, ये मोरा कमरा लग गया मैंने, घुस गए कमरे में रे बेटे, या गली होगी उस साइड तो आए थे दीपक भाई साहब आने लग रहे, उस साइड तो हम आए थे भाई, ऐसे आके और फिर एक या गली, इस गली में मकान है, जैसे आज के टाइम अपने पूरा बाजार सा है भाई, दोनों साइड में दुकानें, तो उस तरीके से अड़े बने हुए हैं। और मैंने भी ऐसा लग रहा कि भाई ये छोटे छोटे बना रखे यार, समझ में नहीं आ रहा कि भी कैसे क्या बना रखा है। लेकिन भाई ये भूतिया किला कैसे हो गया, सुनसान कोई भी जगह हो भाई वह तो भूतिया हो जाए, लेकिन वह बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है भाई, ये इस प्रकार से घर बना रखे भाई को साफ सा, जिसमें झाड़ बोल डेना होगी दिखाऊंगा। हाँ ये देखो भाई, ये इस प्रकार तो बना रखे भाई, इसमें तो जीना भी चढ़ा रखा था, यो पोर्शन ऐसे बना रखे हैं, ये पोर्शन।
और भैया जीना है भाई, मैं चढ़ गया जीना पे, ऊपर तो दिखाऊंगा भाई, है ना भाई कैसे बना रखा है। यो भाई को बहुत बड़ा कर, को मुंशी मंशिया कर पाओगा पक्का भाई, वो है या को राजा का चेला चूल्हा होगा। ये देख लो भाई, भाई मैं ऊपर दीवारों पर चढ़ रहा हूँ, कम से कम 7 से 8 फुट की दीवार है, और मैं दीवारों पर चल कर आपको आगे बढ़ के दिखाऊंगा सारा सिस्टम कैसे कैसे क्या बन रहा था भाई उस टाइम पर, कैसे कैसे मकान बना रहे थे भाई। यो मकान का नक्शा देख लो भाई, जय पसंद आ जाए किसी ने तो अपने इस हिसाब से अपना घर बना लियो। ठीक, और ये है भाई, इस प्रकार तो ये मकान होया कर दे भाई। अभी मेरे शाम में पड़ काला था भाई, एक के घर में था उसमें, दूसरे में तो कोनी है, पता ही नहीं लग रहा भाई किस हिसाब से घर बना रखा था, एक बहुत बड़ा घर बना रखा है। ठीक, ये मैं नीचे उतरू, आगे चलेंगे आगे दिखावांगे अपने। और मनीष का भाई अपने कैमरे की बैटरी बदल के ले आया है। ठीक, कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी, बाकी भाई बहुत बढ़िया सिस्टम है। यो भाई दीपक ऊपर चढ़ के बैठ गया भाई, मैं ताड़े रहूंगा भाई, कमरा लूंगा एक, इन्हें पसंद आ गया भाई है। भाई नून का तो लंबा पड़ जाता, राड़े एक कूद जाम पर लेकर दिखावांगे अपने घर घर क्यों करके बन रहे हैं भाई। आओ तो इधर अपने खान पीन का सौदा लेकर आइयो भाई, बहुत बढ़िया सौदा है सिस्टम हाट देखने का। हाँ अपना पवा पवा लेकर आ जियो। ठीक, ये है मकान भाई।